दस महाविद्याएं अष्टम वगलामुखी। व्यष्टि रूप में शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली तथा समष्टि रूप में परमात्मा की संहार शक्ति ही वगला है। पीताम्बरा विद्या के नाम से विख्यात वगलामुखी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्ति और वाक्य सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्रा माला, पीत पुष्प एवं पीत वस्त्र का विधान है। महाविद्याओं में इनका आठवां स्थान है। इनके ध्यान में बताया गया है कि ये सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराज रही हैं। ये पीत वर्ण के वस्त्र, पीत आभूषण तथा पीले पुष्पों की ही माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे हाथ में मुद्गर है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार भगवती वगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। सत्य युग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर आए संकट को देखकर भगवान महाविष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से वगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। वगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी है। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इस विद्या का उपयोग देवी प्रकोप की शांति, धन धान्य के लिए पौष्टिक कर्म एवं आभिचारिक कर्म के लिए भी होता है। यह भेद केवल प्रधानता के अभिप्राय से है, अन्यथा इनकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए की जाती है। यजुर्वेद की काठक संहिता के अनुसार दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारणी विष्णु पत्नी त्रिलोक जगत की ईश्वरी मानवता कही जाती है। स्तंभन कारणी शक्ति व्यक्त और अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार पृथ्वी रूपा शक्ति है। वगला उसी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। शक्ति रूपा वगला की स्तंभन शक्ति से द्युलोक वृष्टि प्रदान करता है। उसी से आदित्य मंडल ठहरा हुआ है और उसी से स्वर्ग लोक भी स्तंभित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में उसी शक्ति का समर्थन किया है। तंत्र में वही स्तंभन शक्ति वगलामुखी के नाम से जानी जाती है। श्री वगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐहिक या पारलौकिक देश अथवा समाज में दुख अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के शमन में वगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। चिरकाल से साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके बडवामुखी, जात वेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी तथा वृहद भानुमुखी पांच मंत्र भेद हैं। कुंडिका तंत्र में वगलामुखी के जप के विधान पर विशेष प्रकाश डाला गया है। मुंडमाल तंत्र में तो यहां तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्र आदि विचार और काल शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। वगला महाविद्या ऊर्ध्वामान्य के अनुसार ही उपास्य है। इस आमान्य में शक्ति केवल पूज्य मानी जाती है, भोग्य नहीं। श्री कुल की सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर सतर्कता पूर्वक सफलता की प्राप्ति होने तक करते रहना चाहिए। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर भीतर की पवित्रता अनिवार्य है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वगला महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को किया। सनत कुमार ने देवर्षि नारद को
और नारद ने सांख्यायन नामक परमहंस को इसका उपदेश किया। सांख्यायन ने 36 पटलों में उपनिबद्ध वगला तंत्र की रचना की। वगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए तथा परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई।